हेलो स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द थ्रीजोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम द मटेरियल इज 5500 एंगस्ट्रॉम। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड व्हेन दिस मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रॉम। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, थ्रीजोल्ड वेवलेंथ दे के रखा हुआ है, कितना देख रखा है थ्रीजोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट दे के रखा हुआ, दैट इज अ 5500 एंगस्ट्रॉम। That is a thing called 5000, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, that is a 5500 into 10 is to minus 10 meter, that is a 5550 into 10 is to minus 9 meters, so that ये हो गया 550 nanometers, okay, थ्रीजोल्ड वेवलेंथ हमें दे के रखा हुआ है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि आपको बस A, B, C और D चार सोर्स दिए हुए विद डिफरेंट वैट और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स। जैसे ऑप्शन ए में 75 वाट और इंफ्रारेड लैंप है, ऑप्शन सॉरी बी में क्या दिया 100 वाट इंफ्रारेड है, नेक्स्ट क्या दिया 75 अल्ट्रावायलेट, एंड देन क्या किया बी क्या 10 वाट अल्ट्रावायलेट, मतलब दो टाइप के लाइट दिए हुए हैं इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, एंड दो टाइप के पावर भी दिए हुए, एक 10 वाट है दूसरा क्या 75 वाट। ओके, अब मुझे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए किससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ये हमें बताना है। ओके, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए हमें पावर मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है फ्रीक्वेंसी, या क्या मैटर करता है वेवलेंथ। ठीक है, अब आपके पास क्या दिया है, आपके पास यहाँ पे आप पावर को इग्नोर कर दो, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अल्ट्रावायलेट से होगा या तो क्या होगा इंफ्रारेड से। ठीक है, अब फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए हमारे पास थ्रीजोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक emissions, your incident wavelength should be less than threshold wavelength. अगर frequency दिया होता तो frequency के केस में incident frequency should be greater than threshold frequency, याद रखोगे। ऐसा क्यों होता है, because energy of photons is equal to hc by lambda, और energy of photon is क्या होता है आपके पास is equal to h nu। अगर फ्रीक्वेंसी रहा तो आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रीजोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, और आपके पास अगर थ्रीजोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है तो योर इंसिडेंट वेवलेंथ क्या होना चाहिए थ्रीजोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज हो तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा होगा तो क्या होगा एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होना चाहिए, तो फोटॉन्स ज्यादा होने के लिए वेवलेंथ क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। क्लियर, चलो तो आपके पास क्या होना चाहिए कि आप चेक करो कि इसमें से अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किसकी फ्रीक्वेंसी लैम्डा नॉट से कम है, लैम्डा नॉट इज नथिंग बट मेरे पास कितना है यहाँ पे 5550 नैनोमीटर्स। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी 550 नैनोमीटर से कम होगी, सॉरी वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ 550 नैनोमीटर से कम होगा उससे क्या होगा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। क्लियर, अब इसके लिए आपके पास इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट का क्या होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का रेंज और वेवलेंथ का रेंज आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज कभी ये फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा कभी वेवलेंथ दिया रहेगा। ठीक है, तो अब ये रेंज आपको मिलेगा कहाँ पे, एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक चार्ट दिया हुआ है, जो चार्ट मेरे पास है या तो मैं आपको शो कर देता हूँ, ये चार्ट दिया हुआ है आपको, ये चार्ट प्रिपेयर कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में ये चार्ट दे के रखा हुआ है, आप उसे याद कर लेना। ठीक है, अदरवाइज आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो वेवलेंथ होना चाहिए लेस देन 550 नैनोमीटर होना चाहिए। अब ध्यान से देखते हो, यहाँ पे चेक कर रहे थे कि मेरे पास ओके दो है, कौन सा है अल्ट्रावायलेट, कौन कौन सा दिया आपके पास ऑप्शन में, अल्ट्रावायलेट दिया और दूसरा इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ कितना है देखो यहाँ पे 400 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर के बीच में, और इंफ्रारेड का कितना दिया आपके पास, इंफ्रारेड का दिया दिस इज अ 25 माइक्रोमीटर से लेके 250 माइक्रोमीटर इज नथिंग बट नैनो में कितना आ जाएगा 30 लगा दो, कितना हो सकता है आप बोल सकते हैं ये इज नथिंग बट 2500 नैनोमीटर्स से लेके कितना होगा 250 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो आपका वेवलेंथ कितना चाहिए 550 नैनोमीटर से कम चाहिए, किसका आ रहा है अल्ट्रावायलेट का आ रहा है, इंफ्रारेड का ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे ये 25000 नैनोमीटर्स आ रहा है, तो इंफ्रारेड से तो क्या होगा फोटो इमिशन नहीं होगा, बिकॉज इंफ्रारेड का वेवलेंथ हमारे इंसिडेंट क्या है थ्रीजोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है, हमें क्या चाहिए थ्रीजोल्ड वेवलेंथ से कम चाहिए, तो हमारा थ्रीजोल्ड वेवलेंथ कितना है, थ्रीजोल्ड वेवलेंथ कितना बस 550 नैनोमीटर्स, तो 550 नैनोमीटर से कम कौन सा आ रहा है अल्ट्रावायलेट आ रहा है,
आप बोल सकते हो कि फोटो इमिशन किससे होगा, अल्ट्रा वायलेट से। कौन कौन सा अल्ट्रा वायलेट? 750 वाले से भी हो सकता है एंड 10 से भी हो सकता है, क्योंकि पावर्स मैटर नहीं करता है। ठीक है, फोटो इमिशन होने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी शुड बी, सॉरी वेवलेंथ शुड बी लेस देन रिजॉल्व वेवलेंथ। तो किसका आ रहा है? अल्ट्रा वायलेट का। आपको चार्ट प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर? चलो, हम सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग।